शुरुआत करने से पहले हम MBBS और MBBS अब्रॉड से रिलेटेड वीडियोस हर हफ्ते पब्लिश करते हैं, तो याद से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस रिंग को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। हाय एवरीबॉडी, दिस इज धनंजय हियर एंड दिस इज माय डेली इंटरेक्शन फॉर हाफ एन आवर विद द स्टूडेंट्स। आई होप सबको आवाज आ रही है। कैन समबडी कंफर्म मी ऑन द क्वेश्चन पैनल दैट यू आर एबल टू हियर मी आउट क्लियरली? यशस्वी, शाबाज, संवित, सबनम, पस्टेल, अर्जु, पटेल, अर्जु, आर यू एबल टू हियर मी? यस, ओके आसामा, थैंक यू। ओके, सो आप लोगों में से कितने लोगों को लग रहा है कि MBBS अब्रॉड इज नाउ द ओनली एंड द प्रोबेबली द बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल फॉर ऑल ऑफ यू? Is this because there is no other options left or is this because your choice is there? मैं आप लोगों को सबको एक छोटा सा question पूछना चाहती हूँ। कौन सा country आपको अच्छा लगता है आपके मन में? क्योंकि आपका YouTube, Facebook, Instagram पूरा भरा हुआ है advertisement से और इससे आपका mind 100% influence होगा। आप research करना बंद करोगे और जो एड दिख रही है उसके हिसाब से सोचना चालू कर दोगे। ये एक स्टैंडर्ड इफेक्ट है, हर साल की है और जहां पे वो एजेंट बोलेगा आपको यू आर गोइंग टू स्टार्ट गेटिंग इनटू द ड्रीम्स ऑफ दैट कंट्री। दिस वेबिनार द नेक्स्ट हाफ एन आवर इज डेफिनेटली गोइंग टू ओपन अप योर एब्सोल्युटली कंप्लीटली डिफरेंट यू नो पर्सपेक्टिव। आई कैन अश्योर यू दैट 81% have voted। बॉस पोलिंग बंद कर रहा हूं मैं। 94% आज तो बहुत बढ़िया है, एवरीबडी इज पार्टिसिपेटिंग। 4 seconds टू गो। ओके, आई एम शेयरिंग दिस। 20% थिंक चाइना इज द राइट। हाइएस्ट परसेंटेज इज 33% रशिया, ठीक है। और अभी मैं आपको बता रहा हूं ये 33% इज बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस दैट यू हैव बिकॉज ऑफ द पब्लिसिटी। आई एम गोइंग टू टेक यू टू वन वेरी सिंपल वेबसाइट, द गवर्नमेंट वेबसाइट विच टेल्स यू व्हाट आर द एक्चुअल थिंग्स विच यू विल गेट इन रशिया। डोंट गो बाय एडमिशन एजेंट्स। हमारी गवर्नमेंट की जो एम्बेसी है वो कभी सर्च किया आपने? गवर्नमेंट क्या बोलती है वहां पे? एम्बेसी मतलब इंडियन गवर्नमेंट की ऑफिस है वहां पे, ठीक है। वो एडुकेशन के बारे में क्या बोलती है? स्टडी इन रशिया, लेट अस सी। सो एडवाइजरी दी है उन्होंने, इतने सारे बच्चे पढ़ रहे हैं वहां पे रशिया के अंदर, कम से कम आज की तारीख में 10,000 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। अब इनके क्या हाल है वो आपको समझना पड़ेगा टू दोज 33% ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर ऑन टुडेज वेबिनार, कि वो क्या चीज कर रहे हैं। उन्होंने भी आपके जैसे एडवर्टाइजमेंट्स देख के डिसाइड किया था एक टाइम पे कि चलो रशिया, लेट्स गो टू रशिया। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस, अब आप पढ़ो रशिया जो 33% है उसका क्या हाल है। पब्लिसिटी इन इंडिया, जैसे आप एडवर्टाइजमेंट्स देख रहे हो अबाउट इंग्लिश मीडियम कोर्सेज, दिस इज नॉट करेक्ट। गलत एडवर्टाइजमेंट्स देख के आप जा रहे हो, मोस्टली लोकल लैंग्वेज। इंग्लिश में सिखाने के लिए स्पेशल लाइसेंस चाहिए। मोस्ट इंस्टीट्यूशंस ट्राई टू टीच यू फर्स्ट ईयर्स इन इंग्लिश, फ्रॉम फोर्थ ईयर स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू लर्न इन रशियन लैंग्वेज। कैन यू बिलीव इट? 3 in English, 3 in Russian language। मतलब कि
आप रशियन लैंग्वेज में क्लिनिकल सब्जेक्ट्स पढ़ोगे और इतना तकलीफ होने वाला है कि अगर आप गलत कंट्री या यूनिवर्सिटी चूज कर लिए, हजारों स्टूडेंट्स को एडवर्टाइजमेंट्स देके एडमिशन एजेंट लेके जाते हैं। स्पेशल लाइसेंस में वाली ही कॉलेज इंग्लिश में सिखाई दे रही है। आई मीन ओनली देर आर वेरी फ्यू यूनिवर्सिटीज विल टीच यू इन ऑल अलोंग इन इंग्लिश। सम इंस्टीट्यूशंस विच क्लेम टू हैव ड्यूअल मीडियम एक्चुअली दे डू नॉट हैव फैकल्टी इवन फॉर फर्स्ट 3 ईयर्स। कैन यू बिलीव 6 ईयर्स इन रशियन लैंग्वेज? अनबिलीवेबल। हजारों स्टूडेंट्स बीइंग इन्फ्लुएंस्ड टू गो टू रशिया विदाउट एक्चुअल नॉलेज व्हाट दे आर गोइंग टू गेट, जस्ट बिकॉज 15 लाख में डॉक्टर बनना है। भैया वो 15 लाख वेस्ट मत करो, क्योंकि आपको वहां से सिर्फ डिग्री मिलने वाली है। इंडिया में आके आपको लाइसेंस लेने के लिए एग्जाम देनी पड़ेगी, और अगर आप उस एग्जाम में क्वालिफाई नहीं हुए जो इंग्लिश में होती है इंडिया के अंदर, तो आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा। आप सिर्फ डिग्री आराम से अपने फ्रेम पे लगा के घर पे बैठोगे। यू कैन नॉट वर्क एज अ फिजिशियन अनलेस यू आर गोइंग देयर विथ प्रॉपर इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स विथ गारंटी टू पास नेक्स्ट एग्जामिनेशन, तब जाके आपको लाइसेंस मिलेगा टू प्रैक्टिस एज अ डॉक्टर। ऑल ऑफ यू आई होप अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम अबाउट रशिया। तो ये प्रॉब्लम में से चूज कैसे करें हम लोग? तो इंडियन एम्बेसी ने हमको और एक लिस्ट दिया है, आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो, रेटिंग लिस्ट, खुद भी सर्च कर सकते हो, ऑफ रशियन इंस्टीट्यूशंस इन इंडियन एम्बेसी। पढ़ो आप अभी इसको। ये भी इंडियन एम्बेसी की ही वेबसाइट का पेज है। गवर्नमेंट आपको झूठ नहीं बोलने वाली। जो 33% स्टूडेंट्स थे जो रशिया का सोच भी रहे थे, पहले ये रेटिंग लिस्ट पढ़ो, क्या आप टॉप रेटेड कॉलेज में हो या आप बॉटम रेटेड कॉलेज में हो जिसको इंग्लिश सिखाने ही नहीं, इंग्लिश में सिखाने को आता ही नहीं है, क्या वो कॉलेज में हो? चेक करो आप। देर आर 48 यूनिवर्सिटीज इन टू मिनिस्ट्रीज, एक में 28 है। ये सारी एमसीआई अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ केयर, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। हेल्थ केयर के अंडर में 28 हैं शायद, आप देख सकते हो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ केयर, और उसमें टोटल मिला के 28 हैं। यस, प्लीज डू नॉट चूज योर यूनिवर्सिटी जस्ट बिकॉज इट इज फिटिंग इन टू योर बजट। ये सब पर्म निजनी एंड ऑफ द लिस्ट है। आपको सबसे ऊपर वाली इंग्लिश में मिलेंगे 3 4, फिर धीरे धीरे बाइलिंगुअल मिलेगा, और फिर पूरा पूरा रशियन में मिलेगा। सेम चीज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में। तो 48 में से सिर्फ 5 और 6 यूनिवर्सिटी ऐसी हैं कि जो इंग्लिश में सिखाएगी। एमसीआई के लिस्ट में पूरी 48 है। तो आपको कहाँ पढ़ना है? हाउ मेनी ऑफ स्टूडेंट्स वॉन्ट टू स्टडी? वो जो 33% थे उसमें से अब कितने स्टूडेंट्स हैं जो जाना चाहते हैं रशिया में? अगर रशिया जा ही रहे हो तो प्लीज अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करो, टॉप कॉलेज में जाओ, बॉटम में जाओ। ठीक है,
Am I making sense to all of you? And this is not my website. This is the Government of India website. They will not lie to you. They will give you the correct rating. It is there. Our embassy is there. Finally, aapko Russia jaake yahi log sambhalenge. Kuch bhi takleef hogi. Moksh is of course there, but authority ke hisab se sirf government. So I want to know those people who wanted to go to Russia. Do you want to continue to go and talk about Russia? And if yes, which is the university that you wish to do? Can you revert back to me so that I am very clear? Let's make it more interactive. Agar aap chup baithoge to mujhe pata hi nahi chalega aap sun bhi rahe ho ya is it making sense or am I making it interesting to all of you? What exactly is your interest level to understand more details? Prince, China is almost full. ठीक है, अभी जगह ही नहीं है वहां पे. जुलाई महीने में चाइना खत्म हो जाता है. आप अभी सितंबर होने के तैयारी में, अभी तो लोन की बात कर रहे हो तो बहुत लेट है. ठीक है, आई थिंक People have understood. I am hopeful that if you really want to go to Russia, then you have to think twice, because in Russia, English is a problem. Very carefully, you have to choose a government university with minimum 100 years of experience and English language. 450 university MCI ke andar approved hai. Jaane ke layak sirf 40-50 hai. Theek hai? अगर आप अपनी पहले यूनिवर्सिटी अच्छी सिलेक्ट करते हो और नेक्स्ट का कोचिंग होता है, आप लोगों को पता है ये नेक्स्ट क्या है? सौम्या सिंह, ओके, शी नोज अबाउट इट. Jason Lobo, do you personally know? There is no problem, Jason. Even if you want to go to Russia, you have a choice. Just select the top ones. Even if you want to go to Russia, there is no problem. Okay, Vikas Yadav knows. Prince Kumar ko pata nahi hai. Soumya ko pata hai. Jab aap wapas aate ho, tabhi aapko FMG ya to next ki exam dena padta hai. मैं आपको उसका रिजल्ट बता रहा हूं. मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर है, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को न कोचिंग मिला है और न यूनिवर्सिटी सही तरीके से उन्होंने सिलेक्ट की थी. जब 90% यूनिवर्सिटीज ऐसी है कि जहां नहीं जाना चाहिए, तो हालत क्या होगा? 90% स्टूडेंट्स फेल होंगे. एजेंट बोलेगा मैं गारंटी देता हूं 100% पास हो जाएंगे. उसको बोलो अगर ऐसा है तो ये क्यों ऐसा है. सडनली कैसे आप 100% पास करवा दोगे भाई? व्हेन 100 स्टूडेंट्स गिव एग्जाम 90 फेल, दैट मींस 6 साल आपने निकाला, पैसा खर्चा किया, पढ़ाई की, एफर्ट्स डाली और फिर इंडिया आके 90 लोगों को लाइसेंस नहीं है. 100 लोगों को डिग्री है, सिर्फ 10 लोगों को लाइसेंस भी है. प्रैक्टिस सिर्फ 10 लोग करते हैं. और इसी वजह से, क्योंकि एजेंट्स के पास जाके आप अपनी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो, खुद का रिसर्च गवर्नमेंट क्या बोल रही है वो नहीं कर रहे हो, तो व्हाई शुड यू एक्चुअली गो अब्रॉड इन द रॉन्ग प्लेस? यू आर गोइंग टू गेट इन टू बिग ट्रबल. सिलेक्ट योर यूनिवर्सिटी राइटली, देन ओनली इट विल मेक सेंस. ओके, हाउ इंपॉर्टेंट इज नेक्स्ट as per you? कोई बोलेगा सर सोचूंगा. So this 20% China, as I can see on your screen, 20% students interested in China, we have to say sorry, because China is almost full. 2-3 seats are left, and that also are left for 1 or 2 days. That's it. बाकी खत्म हो गया है. China, because सबसे अच्छा option वही है, in world ranked university.
ऐसी बड़ी बड़ी वर्ल्ड रैंक यूनिवर्सिटीज चाइना के अंदर हैं, तो वो सबसे पहला भर जाती है, ठीक है। यू नीड गुड स्कोर इन नीट, गुड स्कोर इन 12th टू गेट इन टू चाइना। ओके, यूक्रेन ऑफ कोर्स इज प्रेफर्ड चॉइस फॉर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स बिकॉज इंग्लिश का प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पे, ठीक। सो यू कैन गो टू रशिया, टॉप कॉलेजेस, यू कैन गो टू यू, बट ओनली ऑन द वेस्टर्न पार्ट, ये वॉर जोन है। रशिया है, यहाँ यूरोप है, यूक्रेन बीच में है, वेस्टर्न पार्ट में कोई भी यूनिवर्सिटी लो, ये वो उनसे दूर रहो। यहाँ पे कैपिटल सिटी है कीव, इधर से लेफ्ट में जाना है आपको। यहाँ आपको गवर्नमेंट की 202 साल पुरानी यूनिवर्सिटी जो वेल एक्सपीरियंस है वो भी मिल जाएगी, वही 20-25 लाख के खर्चे में, ठीक है। सो यू हैव, इंग्लिश का भी प्रॉब्लम नहीं है, सेफ्टी भी है, यूरोपियन कल्चर है, और बहुत बढ़िया पुरानी यूनिवर्सिटीज, यू आर द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी इन यूक्रेन आर अवेलेबल हियर, सो यू कैन डेफिनेटली चूज दैट एंड सिलेक्ट योर सेल्फ। सो यूक्रेन ऑल्सो देर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम, ईस्टर्न पार्ट, खार्की, उकराजी, यू कैन नॉट चूज देम, दे आर वॉर जोन, लवी, बुकोविनिया, टर्नोपेल, दीज आर दंस, प्रेफरेबली गो टू लवी विच इज द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी अवेलेबल इन यूक्रेन, 1780 हजारों डॉक्टर बना चुकी है पहले। आई होप यू गॉट द क्लैरिटी नाउ वेयर टू गो, विच यूनिवर्सिटीज टू सिलेक्ट। लेट मी अंडरस्टैंड, सिलेक्शन करने के बाद में डिग्री मिलेगी आपको। अब लाइसेंसिंग एग्जाम में अगर 90% फेल होते हो तो आपको क्या लग रहा है, तैयारी आपकी नेक्स्ट की होनी चाहिए, एफएमजी की, या नहीं होनी चाहिए? क्या इंपॉर्टेंट है आपको? क्या आप अब्रॉड कोचिंग के बिना, नेक्स्ट के कोचिंग के बिना जा पाओगे? यू कैन पार्टिसिपेट इन द पोल सो दैट वी कैन मूव। आपको अभी समझ में आ जाएगा कि क्यों इतना बुरा रिजल्ट है और क्यों इतने सारे डॉक्टर घर में बैठे हैं विदाउट प्रैक्टिसिंग। जो एडमिशन एजेंट के पास कोचिंग का टूल नहीं है, वो एडमिशन एजेंट 100% आपको बोलेगा, अरे बेटा तू पास हो जाएगा, तुझे इतने तो पास हो रहे हैं, देखो मेरे लास्ट ईयर भी 50 पास हो गए, कोई टेंशन ही मत ले। उसको बोलो भैया पढ़ना मुझे है, आप कैसे गारंटी दे सकते हो? आपके पास क्या है कि जो मुझे 100% गारंटी दे कि जो नीट नेक्स्ट कोचिंग में मैं, नेक्स्ट के एग्जाम में मैं लाइसेंस ले पाऊँ? जहां पे 90% फेल होते हैं वहां पे मैं एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहता। मुझे पहले ये बताओ क्या नेक्स्ट मैं पास करूंगा तो मैं पढ़ाई करूं, नहीं तो पढ़ाई भी क्यों करूं? आई शुड नॉट गो अब्रॉड विदाउट अ प्रॉपर एक्सेप्टेबल 5 ईयर नेक्स्ट कोचिंग। शेयर दिस विथ यू, 6% सेज नॉट इंपॉर्टेंट, कैन यू बिलीव? दीज आर, दे अटेंड अवर वेबिनार्स, दे कम ऑन अ रेगुलरली डेली बेसिस, वी डोंट नो हु इज अटेंडिंग राइट नाउ, सो छुप के आते हैं, बोलते हैं सर जरूरत ही नहीं है, आई डोंट थिंक आई रिक्वायर एफएमजी। 18% ऐसे हैं जो प्लान नहीं किए हैं बट समझाएंगे तो वो समझ जाएंगे कि जाने का सेंस ही नहीं है। जाओगे तो पहले नेक्स्ट असेस करो, कोचिंग असेस करो, आपको यूनिवर्सिटी असेस नहीं करनी है। और 76% समझ गए हैं देर इज नो सेंस गोइंग अनलेस यू हैव गारंटी टू पास नेक्स्ट, अ प्रॉपर कोचिंग टूल। ओके, अनुष्का रपाले, हैव यू टेकन एडमिशन इन बोगोमोलेट्स? इन दैट केस रिमेंबर यू हैव टू बी केयरफुल,
Second thing, never pay a single rupee for consultancy. Anushka, don't pay if you are finalized. Don't pay a single rupee. Free mein hota hai consultancy ka paisa, admission ka paisa nahi hota hai Bogo Molets mein. Yaad rakhna. Aap kahan pe rehte ho Anushka? Do you want to pay? Main abhi ek sawal puchta hu Anushka. आपके पास दो चॉइस है, कितना पैसा दे रहे हो आप? आप कितना पैसा दे रहे हो अनुष्का फॉर कंसल्टेंसी? हाउ मच आर यू पेइंग? हाउ मच मनी आर यू पेइंग टू द एडमिशन एजेंट? No, how much is the admission agent asking for it? Anushka, you are being fooled. Please don't pay them. It is not about package. This is the biggest problem. What is package, Anushka? I'll tell you something, okay? You go to moksh16.com, all of you. And there is a button called Choose Your University. Go for Ukraine, let's say Lviv, Bukovina, Bogomolets. Now you have to, there is nothing like a package. You have to understand the breakup of the costs. Secondly, aap logo ko ek cheez samajhna padega ki ye package de hai kya inhone sab kuch include kiya hai. Pehli cheez, क्या यूनिवर्सिटी का पैसा यूनिवर्सिटी में डायरेक्टली दोगे या आप अपने एजेंट को दोगे? क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऑफ Bogo Molets आर चीटेड बिकॉज दे टेक द एजेंट्स टेक द मनी हियर. ओके, प्लस इसमें एक भी रुपया, नॉट अ सिंगल रुपी शुड बी एडमिशन कंसल्टेंसी का चार्ज और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. सीधा टिकट लो, वीजा लो और Bogo Molets पहुंच जाओ, अगर आपको Bogo Molets ही जाना हो तो. बट मैं आपको ये पूछूंगा, पैकेज जैसा कुछ नहीं होता. एक एक साल का आपको टोटल पकड़ना पड़ेगा. क्या उसमें दूसरे साल का वीजा, दूसरे साल का इंश्योरेंस, वो भी दिख रहा है आपको? आप समझ रहे हैं अभी? क्या हॉस्टल का फी आप डायरेक्टली भरोगे? क्या ट्यूशन फी आप यूनिवर्सिटी में डायरेक्टली भरोगे? ये एक एक चीज देखो. कंसल्टेंसी का, एजेंसी का पैसा ना ले रहे हैं. आई जस्ट होल्ड ऑन, आई एम रिप्लाइंग टू द क्वेश्चंस ऑफ अनुष्का विच यू विल ऑल्सो लर्न. ओके, सो ओवरऑल अगर आपको एक चॉइस दी जाए, मैं आपको एक और चीज दिखाऊंगा. ठीक है, लेट अस गो टू बेसी वेबसाइट. ओके, और यहां पे एक टेक्सचर दिया हुआ है. आप एनेक्सचर में स्क्रीनिंग टेस्ट के एफएमजी के रिजल्ट्स हैं. आप कंट्रोल एफ करो और यूक्रेन करो. यूक्रेन में टॉप पासिंग में Bogo Molets दिख रहा है आपको? कहां दिख रहा है? टेंथ लेवल पे है.
टॉप में आपको यही तीन दिखेंगे। ये तो मैं एक एक है तो मैं छोड़ रहा हूं मैं। सो इधर यू कुड, किसी का माइक चालू किया है किसी ने, ओके। सो बुकोविनिया एंड लवीव, लवीव आपको ऐसा यूनिवर्सिटी मिलेगा कि जो आप सर्च करोगे तो आपको समझ, सेम कॉस्ट ऑफ बोगोमलेट्स, विकिपीडिया करो। '84 की यूनिवर्सिटी, हाईएस्ट एमसीए पासिंग रेशियो मोर और लेस, आप देख सकते हो बिकोविनिया एंड लवीव, और के सिटी में सभी लोग इस पे आ रहे हैं क्योंकि इसका टोटल कॉस्ट है वो 20 लाख है। इसमें पूरा यूएसएमएल मिला के, फर्स्ट मॉड्यूल मिला के भी 24 लाख रुपया हुआ। 25 लाख रुपया क्यों खर्चा करोगे आप बुगोमोलेट्स के लिए, मुझे अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, जबकि बुगोमोलेट्स बहुत नीचे है। हैव यू अंडरस्टूड नाउ? यू सी द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यू सी द परसेंटेज ऑफ पासिंग, यू नो द क्वालिटी ऑफ यूनिवर्सिटी, यू नो द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी विच इज अप्रूव्ड ऑन एमसीआई इज बुकोविनियन विथ हाइएस्ट एमसीआई, एंड द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ यूक्रेन इज लवीव विच इज ऑन द बैंक्स ऑफ, दिस इज यूक्रेन, बोगोमोलेट्स यहाँ पे है, लवीव यहाँ पे है, पोलैंड, रोमानिया, पूरा हंगेरी, ये पूरा यूरोपियन कल्चर से बना हुआ है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। हाईएस्ट स्टूडेंट्स आज की तारीख में फर्स्ट प्रेफरेंस लवीव को दे रहे हैं, पर अगर पुणा सिटी की बात करो उसका, तो एवरीबडी इज गोइंग इन बुकोविनिया, सो यू कैन ऑल्सो चूज दैट, बट ऑफकोर्स इन कंपेरिजन यू कैन चूज बुकोविनिया प्लस यूएसएमएलई। मैं आपको अभी इसके बारे में आगे बता सकता हूं। राइट नाउ हाउ यू विल बी टॉट अबाउट नेक्स्ट एंड यूएसएमएलई एग्जाम, आई विल टेल, मिस्टर चिराग इज गोइंग टू कम इन द वेबिनार एंड ही विल शोकेस टू यू हाउ यू, एवरी मोस्ट स्टूडेंट्स लर्न दिस। ऑफकोर्स संवेद MBBS in Russia plus PG in USA is also possible. You go and come back. There is no problem. So let me showcase to you aapka actual mein. Aap abhi idhar ho, iska soch rahe ho, aur yahan pe wall hai, aapko isse aage dikhai nahi de raha hai. आपका एक्चुअल डेस्टिनेशन लाइसेंसिंग और पीजी है, स्पेशलाइजेशन है, रेडियोलॉजी गायनेक वो बनना है, बट आप इससे आगे देख नहीं रहे हो। जब तक 6 साल तक जब आप एमबीबीएस कर रहे हो आपको ये मॉड्यूल नहीं मिलता, यू आर नॉट गोइंग टू गेट इनटू दिस। मोक्ष विल गिव यू दिस मॉड्यूल। एवरी स्टूडेंट इधर गोज फॉर नेक्स्ट कोचिंग or USMLE coaching, any student having budget of 25 lakhs will choose this, any student having budget of 40 lakhs will choose this, any student having 30 lakhs will choose this, any student having 70 to 80 lakhs will choose this, simple. Depending on the budget, you make a plan right up to the licensing and PG. Do not stop your vision only up to this. Do not get incited by all the admission agents. Think on your own. Do your own research. आज मैंने जितना बताया है खुद चेक करो सब कुछ, आपको समझ में आ जाएगा कि बहुत कम यूनिवर्सिटीज हैं जो अच्छी हैं। आपको एजेंट बहुत कुछ सुनाता है, आने की बात उसकी बातों में आने की जरूरत नहीं है। Have you understood now? Soumya, you don't have to appear for next after you clear qualify for medical PG in US. Absolutely no. Sir, I have appeared for IELTS and got 7.5. Can't I register for abroad through my IELTS marks? No, you can't, Jason. IELTS has got nothing to do with medicine.
नेक्स्ट एग्जाम ये दीप पटेल नेक्स्ट एग्जाम के बारे में अभी चिराग जी बताएंगे, एमसीक्यू बेस्ड है, ठीक है। आदिल विथ 158 मार्क्स आई यू कैन, 12th का स्कोर कितना है आदिल आपका और बजट कितना है आदिल? I have admission certificate from Nizhny. What you suggest I should do? Samvit Mahashay, कहाँ से हो Samvit? Samvit अभी mistake करी दिया है, छोड़ दो उसको। आपके सामने है rating. You can see this yourself. आप कौन सी university में जा रहे हो? वो आप खुद देख रहे हो। करेक्ट है, किसी ने आपको एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करके आपको बता दिया, अपने ही लोगों का नंबर दे दिया, आपने फोन करके आप बहुत खुश हो गए, चलो मैं अभी एमबीबीएस रशिया जा रहा हूं। भैया 24th रैंक में जा रहे हो, ओनली लास्ट टू थ्री सीट्स आर बैलेंस इन चाइना, वो जो कैंसल्ड होते हैं उन्हीं की जगह पे जा सकते हो आप। I'm a second year student MBBS in Russia. How to study? Deep Patel, definitely you can avail of Deep. I'll just put in a message on my team. Okay. Let me put Deep Patel for second year. You can start studying for next Deep. There is no problem. Generally, we do not give next coaching for students who have not gone through Moksh. It's an exclusive Moksh students product. Samvit, if you are going for 40 to 50 lakhs, you must choose this one. If you are in Mumbai, see, Moksh has offices across the country in 33 cities. Okay. You can come down to Mumbai. You can come go to Pune, anywhere in Delhi. So you go through our website. You will know there are every city we are present. So you can just go understand first. Contact. You can see it. Every city we are available. Okay. So this is, I'm sorry, this comes up. So this is our Mumbai address over here. You can definitely go for it. We are there in Worli, Prabhadevi. No problem. आप लोग YouTube उसकी ad से गलत university में ले लिया है. Let me पहले संबित को समझाने दो. संबित must understand that you have an opportunity to go for this program because your budget is slightly higher. Go for the top university in Ukraine, which is Lviv. Experience the free trial coaching of Moksh. Jis din register karoge, us din se aapko trial version mil jayega. Experience it. Abhi Chirag ji aapko bata denge ki kaise ye hota hai, theek hai na? कैसे सिखाया जाता है और कैसे ये सब होता है, ठीक है। दीप पटेल, आई एम जस्ट पुटिंग अ मैसेज, इंटरेस्टेड फॉर नेक्स्ट कोचिंग, करेक्ट? हाँ, ओके, समबडी विल गिव यू अ कॉल। Yes, Shantanu, Pune address, Shantanu, you can find it. Somebody will give you a call. Just connect with the counselor who gave you the today's this thing. This is Pune address. You can see it on the website. They will guide you. They will get you the appointment also.
Okay, Gare Narendar. I already joined in Armenia last year. Arre Babre. वो तो फंसने वाले थे आर्मेनिया जाके एंड टुक डुप्लीकेट फ्रॉम बोर्ड देर विल बी नो कॉम्प्लिकेशन टू जॉइन एब्सोल्युटली नरेंद्र वेर आर यू फ्रॉम गरे नरेंद्र सिंस यू हैव ऑलरेडी स्पेंट मनी You can opt for a zero consultancy charges scheme by Moksh. Don't pay a single rupee for the consultancy, Narendra. Where are you from? Andhra Pradesh. You can go to our Hyderabad office. We will ask somebody to connect with you. Is that all right? The agent fooled you about the Armenia, I think. That's why you got stuck over there. What is the level of next examination? Cut off. Sabo Chachi, abhi aapko Narendra, Mr. Chirag aayenge. विकास हम सबको नेक्स्ट कोचिंग नहीं देते अनलेस यू प्रूव योर क्रेडेंशियल ओके हैव यू टेकन एडमिशन समवेयर आर यू एन एजेंट हु आर यू गोइंग टू टेक एडमिशन अनुष्का नॉर्मल क्रॉक एग्जाम कॉलेज की एग्जाम होती है आपके पूना एरिया में इतने सारे लोग गलत चलत बता रहे हैं कि यहां तो क्रॉक की एग्जाम होती है हमारे यहाँ पे जॉर्जिया के अंदर तो एग्जाम ही नहीं लेते ऐसे ही पास कर देते हैं डू यू वॉन्ट टू गो टू अ प्रोग्राम विच डज नॉट हैव एनी टेस्ट विकास यादव अब तो फंस गए हो क्या हाल है विकास जी आपके तकलीफ में जी रहे हो किर्गिस्तान में 100% यशस्वी सक्सेना सर आई हैव 73% ऑन माय 12th बोर्ड्स एंड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर नीट दिस ईयर इज दिस परसेंटेज ऑल राइट टू गेट द एडमिशन इन चाइना Yes, of course, it will depend on your NEET score. In January, you can book your seat based on your preparations, okay? Because by March, most of the China seats, 70% of the China seats are blocked. Okay, Yashashvi. I should prefer for MBBS. ओ माय गॉड आमना खतून जॉर्जिया में तो फंसना है आपको ऋषिकेश यू कैन सिंपली सी वोल्गोग्राड वेयर इज द सिचुएशन व्हाट इज रैंकिंग ऑफ वोल्गोग्राड एंड देन अकॉर्डिंग यू कैन चूज योरसेल्फ फॉर अस इट वोंट मेक मच डिफरेंस इसमें तो रेटिंग नहीं है इतनी बुरी यूनिवर्स है नाइन्थ है डू यू वॉन्ट टू गो इन नाइन्थ रैंक्ड Or do you want to go in fourth rank, second rank, third rank? आप choose कर लो अभी ये पिरोगो मॉस्को में है 22 lakhs में मेरे हिसाब से बजट है You can simply go to Moksh website, choose your university, go to Russia, choose your Pirogo university, 28 lakhs है Kazan is 22 lakhs. You can download the brochure. Mobile pe aapko scroll karna padega left side pe. So this would be a much, much better university compared to Volgograd. Okay? This is what I would suggest you. Because you can see where is Volgograd. Where is Volgograd and where is Kazan? Have you understood now? Shantanu, definitely somebody will give you a call now. Just pick up, answer, share your documents, and 100% you will get a China seat because there are three students who have been cancelled. You can get into Wuhan. Okay. Chaitra Korve.
Which university? Rank Lincoln. भैया आप लिंकन यूनिवर्सिटी मलेशिया नहीं, लिंकन यूनिवर्सिटी आप अरेबिया में ढूंढ लो लगता है। साबोसाची पहले कंट्री देखो आप। सौम्या हस्ट इज द वर्ल्ड रैंक यूनिवर्सिटी, इट इज वन ऑफ द बेस्ट वन, सो यू डोंट हैव टू वरी। चाइना इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेस टू स्टडी, ओके, हाई इंफ्रास्ट्रक्चर, सॉलिड फ्लो, सो नथिंग टू वरी। Chaitra Korwa, you are asking for not Russia, Central European, what's your budget? Chaitra? So let me check if Chirag ji has come in, and let me go give him a call, ask him, has Chirag ji joined in? Okay, Chirag ji is there. He will explain you now more about Next and USMLE coaching. Okay, all of you just keep a watch on this, how you will be taught. You hear me well? Can everyone hear me well? Yes, we can hear you, Chiragji. Thank you. All right. Perfect. Thank you. So, you know, of course, all of you have complete information about, you know, various country options and the university options to select. All right. So now let's go back to very basic. Okay. Let's go back to a very basic question, because that is something which is very important. All right. Why do you want to pursue MBBS? You know, that's a very basic question, but needs to be addressed. All right? Because when you are discussing so many options of university courses, you know, somewhere you forget the way, the whole reason. Because agent aapko yahi focus karwata hai ki aap package pucho aur jo sasta hai select that. You forget the main purpose. Why do you want to go for the course? All right? Because those who want to go just for a degree, this actually Moksh webinars are not for them. Because then you can choose any university, any country. Because all you want to do is 6 mahina spend karna hai, 25-30 lakh rupees waste karna hai. Theek hai? So very, very important. You know, I'm happy with the response as well. But quickly, you know, the 50% of you have replied. Quickly, others, just quickly reply. All right. All right, so as you can see, you know, 12% of you are going just for degree, then for you doesn't matter, you can go to any country, Georgia, Malaysia, doesn't matter. Aapko career nahi banana. Jinko career banana hai, jinko license chahiye, they need to select the right country and also prepare for the life, you know, right career. All right, so license exams are very, very important. You cannot have your own private practice. You cannot establish your own clinic unless you are going to be very clear in terms of your vision. All right. Sir ne aapko bataya hi hai. Main recap kar deta hu. Same cheez jo aapko bataya hai. Ye cheez ek always keep in mind. Very important. All right. You know the universities to be selected, which are important. All right. Now let's understand how Moksh students do the planning right up to PG. Okay? So every Moksh student, jab wo planning karte hai, they are aware ki how much money has to be kept aside right up to PG. Because jo aapko, you know, India ke options PG ke batate hai, wo ultimately hidden cost nahi batate, kitna cost hota hai India mein PG karna hai. Theek hai? तो जितने भी स्टूडेंट्स हमारे पास मोक्ष के पास अब्रॉड जाते हैं, दे आर वेरी क्लियर प्लान ए, दे आर गोइंग टू चूज एमबीबीएस अब्रॉड प्लस यूएसएमएलई। चिराग जी, सॉरी टू इंटरप्ट, आमना खातून वांट्स टू गो टू, थिंकिंग टू गो टू जॉर्जिया, एंड आई एम श्योर शी इज गोइंग टू गेट स्टक एंड समबडी इज फूलिंग हर राइट नाउ।
Can you just open the World Directory of Medical Schools, search for Georgia and showcase to her how bad the situation is? Absolutely. I'll do that right away. Yeah, thank you. Okay, well, no problem. So let me quickly show you that as well. Two things which we can show you. Okay. One is the World Directory, other is the embassy details. All right. So let's first see the World Directory. What is the, you know, update given as per. तो जैसे हमने पहले ही आपको बताया 100 ईयर ओल्ड यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करना है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करना है, ऑलराइट। बट व्हेन इट कम्स टू जॉर्जिया, ऑल आर वेरी न्यू यूनिवर्सिटीज, ऑलराइट। तो आई नो वन ऑफ द वन व्हिच इज वेरी पॉपुलर, जो अनफॉर्चुनेटली फेसबुक गूगल बहुत एड्स होती रहती है बच्चों को बताने के लिए, ठीक है। एंड थाउजेंड्स ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स आर स्टडिंग अनफॉर्चुनेटली। So the university is new vision, all right? Private 2013 ek batch bhi nahi nikla, first information, okay? Second, aapko kaha jata hai program is for 5 years. Amna Khatun aapko bola tha 5 years. Can you see this 6 year ka program hai? It is not a 5 year program. Ek to private hai, unka experience nahi hai, ek batch nahi nikla. Compared to universities which are, you know, example हम दे देते हैं, for example, let's say यूक्रेन में आपको let's say लवीव example दे देते हैं। कितने बैच लवीव के हुए हैं अब तक? 1896, 200 years से कितने ज्यादा students है जो already पढ़ रहे हैं इंडिया में, कैनेडा में, यूएस में, सब जगह पे सेटल्ड है। दूसरी इंफॉर्मेशन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन क्विकली आई विल शो इट टू यू बिफोर आई मूव ऑन टू द लाइसेंस एग्जामिनेशन। इंडियन एम्बेसी जॉर्जिया देख लेते हैं। ओके, पहली बात तो जॉर्जिया में एम्बेसी नहीं है, इतना छोटा कंट्री है। एम्बेसी है बाजू की कंट्री आर्मेनिया में, ठीक है। नाउ रिमेंबर आमना, आप मेडिसिन कोर्स करने के लिए जा रहे हो और एम्बेसी क्या कह रही है, जस्ट रिमेंबर दिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलराइट। बिकॉज एम्बेसी के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स जाते हैं तो उनको कंप्लेंट्स मालूम है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं हमें तो यूरोप में पढ़ना है, रशिया यूक्रेन में नहीं पढ़ना है, यूरोप में पढ़ना है। तो देन दे आर फूल्ड बाय एजेंट्स कि भैया आर्मेनिया जॉर्जिया चले जाओ, वो तो यूरोप है। बट इन रियालिटी आर्मेनिया एंड जॉर्जिया आर नॉट पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन, ठीक है। सेकेंड थिंग, दे से इट इज वेरी चीप, 18-20 लाख में हो जाएगा। Can you see that embassy क्या कह रही है? The living expenditure in Georgia, first of all, they don't have that many hospitals, accommodation का options, all right? So आपको रहना है either, you know, hostels में full हो जाएगा तो अपने आप have to arrange accommodation for self outside campus, hostel में जगह नहीं होती है for foreign students. और खर्चा कितना है? US dollar 3,000 to 4,000 per month. तो आप गिन लो $4,000 पर मंथ, ठीक है, दैट इज क्लोज टू ऑलमोस्ट 25,000 रुपीज पर मंथ, ऑलराइट। तो ईयर का कितना हो गया आपका खर्चा? ऑलमोस्ट 3 to 4 lakhs पर ईयर, एंड 6 years का कितना हो गया? 4 lakhs into 6, 24 lakhs तो आपका सिर्फ लिविंग एक्सपेंडिचर हो गया। आप समझ रहे हो, दिस इज दैट एक्सपेंसिव। एंड द बिगेस्ट थिंग व्हाट द एम्बेसी इज सेइंग नाउ, अंडरस्टैंड दिस इज द आयरनी, आप मेडिसिन कोर्स के लिए आपको एजेंट वहां पे भेज रहा है और एम्बेसी कह रही है कि अगर आप जॉर्जिया या आर्मेनिया में बीमार पड़ते हो तो भैया इंडिया वापस जाना ट्रीटमेंट के लिए। एनी स्टूडेंट स्टडिंग इन जॉर्जिया और आर्मेनिया रिक्वायर्स ट्रीटमेंट, तो वहां की हॉस्पिटल उतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आपको कह रहे भैया इंडिया वापस जाओ, तो क्या फायदा है मेडिसिन ऐसी कंट्री में करके जहां पर एम्बेसी इज सेइंग कि इफ यू आर अनवेल प्लीज गो बैक टू इंडिया, दे विल नॉट बी एबल टू ट्रीट यू। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट। इन स्पाइट ऑफ दिस यू वांट टू गो, योर चॉइस, 24 lakhs, न्यू यूनिवर्सिटीज, एक बैच भी नहीं निकला, एंड प्लस एम्बेसी कह रही है खुद बीमार पड़ोगे तो इंडिया वापस आना अपने इलाज के लिए। तो आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाई पीपल आर अपसेट विद जॉर्जिया एंड हाउ agents have been fooling, you know, recommending Georgia to, you know,
majority of people, all right? So just keep these things in mind before you take any decision, all right? So let's go back and quickly decide how Moksh students are doing their planning, okay? आमना खातून आप चेक कर लेना वर्ल्ड डायरेक्टरी में वो पांच साल बोलते हैं छह साल ही होता है वहां जाके आपको पता चलता है ऑल राइट सो नाउ लेट्स क्विकली सी दिस टोटल बजट 40 टू 50 लैक्स होगा तो यूएस एमएलई प्लस एमबीबीएस अब्रॉड की पढ़ाई करोगे टोटल बजट 20 टू 25 लैक्स का होगा तो एमबीबीएस अब्रॉड प्लस नेक्स्ट की कोचिंग ऑल राइट But do not go abroad without next coaching. That is very clear. USML में benefit क्या है? 6 years में ये खर्चा करना है. साथ में नहीं करना. पहले module का तो only 4 lakhs है. And जैसे-जैसे exam pass होगे, आपको expenditure करना है. And जैसे ही अमेरिका में PG मिलता है, there is no tuition fee. In fact, PG करते-करते every year 35 lakhs. 3 साल में आप 1 crore रुपीस कमा लोगे वाइल यू आर डूइंग पीजी तो इन्वेस्टमेंट है आपका 6 years का एंड 40 टू 50 लैक्स एंड नेक्स्ट 3 years में यू आर अर्निंग 1 crore अब जिनका बजट नहीं है उनको बता देता हूं जो एजेंट आपको नहीं बताते हैं वो एजेंट जो चीपर कॉस्ट बताते हैं पहले आप समझ लीजिए पहली बात विदाउट नेक्स्ट एग्जाम तो आप इंडिया में कभी प्रैक्टिस ही नहीं कर पाओगे सिंपल है और अगर पीजी की प्लानिंग करनी है तो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड गवर्नमेंट में सीट नहीं मिलती है इंडिया के बच्चों को भी गवर्नमेंट में सीट मिलती नहीं है बिकॉज ऑफ हाई मेरिट एंड कोटा सिस्टम तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है आपको इंडिया में गवर्नमेंट में पीजी मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल अच्छा प्राइवेट में क्या कहानी है तो 1 से 2 crore रुपए आपको पीजी के देने पड़ेंगे तो देखा जाए तो टोटल इंडिया वाले ऑप्शन में पीजी करना है तो 1 crore और 20 lakh रुपए का खर्चा है जबकि यूएसएमएलई में 40 से 50 lakh यहां पर दैट्स इट उसके बाद आपकी इनकम चालू हो जाती है 1 crore की तो आपकी इनकम हो जाती है दैट इज द रीजन स्टूडेंट्स ऑल चूज यूएस एज द ऑप्शन जो लोग नीट अनक्वालिफाइड है जो इंडिया वापस नहीं आना चाहते हैं और अगर यूएस में फेल हो जाते हैं तो उनके लिए एक लास्ट ऑप्शन रहता है कि अगर आप यूएसएमएलई में फेल होते हैं तो हम आपको जर्मन लैंग्वेज करवा के पीजी इन जर्मनी करवा देंगे बस इतना ही है पीजी इन जर्मनी में टोटल खर्चा 20 लाख रुपए का है एंड आप इंडिया वापस नहीं आ सकते ठीक है तो ये पाथवे है दिस इज 20 लाख अदर देन योर एमबीबीएस अब्रॉड फीस ऑलराइट Is it clear now? So plan A सबका ये होता है, plan B ये है and last option is the Germany option. But जो भी खर्चा आप planning कर रहे हो, वो PG तक का खर्चा गिनना पड़ेगा, क्योंकि agent ने तो आपको सिर्फ आज का खर्चा बताया है, कल क्या होगा उसने कुछ नहीं बताया आपको. And आज की date में if you are going to join or become an MBBS physician. It is going to be very, very, very difficult, all right? Because as an MBBS physician, आप चेक कर लेना average salary इंडिया में मिल रही है only 40 to 50 thousand rupees. अगर इतना ही income चाहिए तो why are you spending 6 lakhs and 25 lakhs, right? 6 years. Rather do some MBA and BCom. And if you are looking at high salary, तो भैया PG तो करना पड़ेगा PG की planning करनी ही पड़ेगी right? So these are very basic thing, but very, very important for you to understand. How many of you feel FMG next is important? Simple question. All right? Very simple question. So, आप देख सकते हैं, this is the reality of the entire MBBS abroad scenario. Because agent ने इतना ज्यादा
ब्रेन वॉश किया होता है, 13% लोग तो बोलते हैं कोई टेंशन ही नहीं, कोई भी यूनिवर्सिटी में भेज दो चले जाएंगे, बिकॉज उनको लाइसेंस नहीं चाहिए, उनको डिग्री नहीं चाहिए, ऑलराइट। बट देर आर 87% ऐसे लोग जो इंडिया में भी अगर 1.5 लाख की बाइक लेनी है या 5 लाख की गाड़ी लेनी है तो डेफिनेटली इंश्योरेंस के बारे में सोचते हैं। उसी तरह से ये जो लाइसेंस एग्जाम है वो आपके करियर का इंश्योरेंस है। बिना आप ये एग्जाम क्लियर करे यू विल नॉट बी एवर अलाउड टू वर्क इन अ वार्ड। जो लोग ये एग्जाम क्लियर नहीं करते हैं वो एक ही जॉब करते हैं, बाद में आप गूगल कर लेना, इंडिया में $1 बिलियन की इंडस्ट्री बन गई है मेडिकल स्क्राइब। हजारों हजारों डॉक्टर इंडिया में है जो मेडिकल स्क्राइब की नौकरी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको लाइसेंस नहीं मिला, ऑप्शन नहीं है और नौकरी करने पड़ रही है मेडिकल स्क्राइब की। 6 साल बर्बाद, 25 लाख रुपए बर्बाद, ऑलराइट। तो आप गूगल कर लेना ये क्या इंडस्ट्री है, मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। बट आपको मेडिकल स्क्राइब का काम करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, FMG की पढ़ाई मत करो, नेक्स्ट की पढ़ाई मत करो। मगर अगर डॉक्टर बनना है तो आपको Day 1 से पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि अब सिंपल हो गया है, आप इंडिया में पढ़ो अब्रॉड में पढ़ो एक एग्जाम देना ही पड़ेगा। पहले कैसा था, जो अब्रॉड जाते थे उन बच्चों को एक क्वालिफाइंग एग्जाम FMG और एक रैंकिंग के लिए NEET PG। अब आप इंडिया में पढ़ो अब्रॉड में पढ़ो सबको एक ही एग्जाम देनी है, वो है नेक्स्ट। और नेक्स्ट का फोकस किस चीज पे है, जस्ट लाइक एनी इंटरनेशनल एग्जाम USMLE लेवल की जो एग्जाम है, फोकस इज ऑन पेशेंट केसेस। बिकॉज रियलाइज हुआ है जो इंडिया से बच्चे नीट या FMG कर रहे हैं उनका प्रोफाइल इतना स्ट्रांग नहीं होता, एंड बिकॉज ऑफ विच दे आर नॉट डूइंग वेल, ऑलराइट। तो कीपिंग दैट इन माइंड वी हैव नो डिवाइस्ड अ प्रोग्राम जहां पर आपके लिए स्पेशली फर्स्ट ईयर से नेक्स्ट कोचिंग प्रोवाइड करते हैं, राइट। तो वी आर वेरी क्लियर एट मोक्ष, इफ यू हैव 20 लाख रुपीज बट यू डोंट हैव लेट्स से 2 लाख रुपीज फॉर योर नेक्स्ट एग्जामिनेशन प्रेपरेशन, then don't waste that 20 lakh rupees, all right? Because there is no point in going abroad without FMG coaching, next coaching. It will be entire waste of time and money, okay? See, that is the whole problem. Abhi I can see questions like, you know, how is a particular country, how is a particular university? Those are not going to be important अगर आपने ये एग्जाम पास नहीं किया। Unfortunately, एजेंट ने इतना दिमाग में डाल दिया है बस पैकेज पूछो पैकेज पूछो, इसीलिए बच्चे सिर्फ उसी की बात करते हैं, ये भूल जाते हैं कि बिना लाइसेंस एग्जाम निकाले चाहे वो जॉर्जिया चले जाए या फिलीपीन चले जाए, ऐसे कोई भी रॉन्ग डेस्टिनेशन में चले जाए, उनको कभी डॉक्टर नहीं बन पाएंगे। 2019 का रिजल्ट देख लीजिए, 2019 का भी रिजल्ट आया है, एंड व्हाट इज द सिचुएशन, सिचुएशन इज एज बैड एज इट इज सिंस 2012। क्या सिचुएशन है, 2019 में भी जो लोग FMG एग्जाम दिए थे 20% पीपल पास। इसका मीनिंग वो है एजेंट के कहने पे जॉर्जिया फिलीपींस और ऐसी बहुत मलेशिया ऐसे अजीब अजीब जगह पे जो बच्चे जाते हैं 80% बच्चे फेल हो जाते हैं, ऑलराइट। विच मींस उनको कोई ऑप्शन नहीं है, दे आर नॉट अलाउड टू वर्क इन अ क्लिनिक और अ हॉस्पिटल, दे कैन वर्क इन फार्मा कंपनी एज अ मार्केटिंग पर्सन, तो टाई पहन के सब डॉक्टर के वहां पे जाना पड़ता है, या फिर एज अ स्क्राइब काम करना पड़ता है। स्क्राइब क्या होता है गूगल कर लो पता चल जाएगा, सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो मेडिकल स्क्राइब का मीनिंग है कॉल सेंटर में काम करना, बड़े बड़े डॉक्टर के लिए कॉल सेंटर में काम करना। तो क्या आप 6 साल इसलिए वेस्ट कर रहे हो
25 लाख रुपए इसलिए वेस्ट कर रहे हो कि फिर आके इंडिया में कॉल सेंटर में काम करना है। भैया कॉल सेंटर की नौकरी तो आज मिल जाएगी आपको, आज अप्लाई करो आज मिल जाएगी, 12th पास वालों को भी मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये सिचुएशन है आज की डेट में, 25,000 डॉक्टर इंडिया में ऐसे हैं जो आए हैं और ये काम कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, बिकॉज इनको यहां पर अलाउड नहीं है, क्लिनिक अस्पताल में अलाउड नहीं है। बट जो लोग सीरियस है, करियर के बारे में सीरियस है, अपना खुद का प्रैक्टिस करना चाहते हैं, बड़ी हॉस्पिटल में काम करना चाहते हैं, वो 20% आज की डेट में आप फोर्टिस में चले जाइए, मेदांता में चले जाइए, अपोलो में चले जाइए, एवरीबडी सक्सेसफुल। वाई? बिकॉज दे डिड वॉट इज द राइट थिंग टू स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट ईयर। इज इट आई मीन आई डोंट नो हाउ मच ऑफ यू आर अवेयर, बट हमने क्या किया है, 2019 में जो बच्चों ने एग्जाम दिया था उनका इंटरव्यू लिया, जो लोग फेल हुए थे उनको पूछा था कि क्यों आप क्यों फेल हुए थे, तो इनका ये रिजल्ट आया था। जो फेल हुए थे वो कह रहे थे लेट प्रिपरेशन किया हमने, इंडियन सब्जेक्ट पे फोकस नहीं किया, कंप्लीटली फॉरगॉट द फर्स्ट टू थ्री इयर्स ऑफ सब्जेक्ट, पेशेंट केसेस कैसे सॉल्व करना नहीं आता और अभी एग्जाम में पेशेंट केसेस पूछे जा रहे हैं, एंड देयर वाज नो कोचिंग अवेलेबल पैरेलल टू मेडिकल कॉलेज, दैट इज द रीजन दे फेल। एंड नाउ एवरी मोक स्टूडेंट हैज द बेनिफिट बिकॉज एवरी मोक स्टूडेंट डज फ्रॉम द फर्स्ट ईयर, इसीलिए मोक्ष स्टूडेंट्स हैव अ हायर पास रेट। व्हाई? बिकॉज दे आर प्रिपेयरिंग राइट फ्रॉम फर्स्ट ईयर, देयर इज नो पॉइंट टू गो अब्रॉड इफ यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फ्रॉम फर्स्ट ईयर। सो फॉरगेट अबाउट यू नो कंट्रीज राइट नाउ, कंट्री बाद में भी डिस्कस कर लेंगे, पहले ये समस्या समझो, पहले साल से प्रिपेयर नहीं करोगे तो इन्हीं के लिस्ट में बन जाओगे। आज 25,000 है, इस साल 30,000 हो गया है 2019 रिजल्ट के बाद, नेक्स्ट ईयर 35 हो जाएगा, उसमें आपका भी नाम ऐड हो जाएगा। तो आप डिसाइड कर लो आपको क्या करना है, ठीक है। बहुत जरूरी है ये चीजें समझना, बिकॉज आपको एजेंट ये सब बताने वाला नहीं है कि भैया पहले साल से क्यों प्रिपेयर करना चाहिए, कौन सी चार बड़ी गलतियां जो 80% बच्चे कर रहे हैं, ये आपको एजेंट नहीं बताएगा। व्हाट इज द फोर बिग मिस्टेक बिकॉज ऑफ विच 80% बच्चे आज की डेट में इंडिया में एज अ डॉक्टर काम नहीं कर पा रहे हैं, कॉल सेंटर या फार्मा कंपनी में काम कर रहे हैं, क्या ये वजह है, ये आपको समझना जरूरी होगा, अदरवाइज बहुत बहुत डिफिकल्ट होगा। तो अभी क्वेश्चंस आपके थोड़े साइड में रख दो, पहले ये चीजें समझ लो। एजेंट आपको ये सब नहीं समझाएगा, दूसरी बार एजेंट का फोन आएगा तो उनको बोलो आप जॉर्जिया फिलीपीन बाद में बात करो, पहले एमबीबीएस के 19 सब्जेक्ट कौन से वो बताओ। मैं बता रहा हूं फोन रख देगा, उनको कोई आइडिया नहीं है एमबीबीएस में क्या सिखाते क्यों सिखाते, ठीक है। बट वी आर करियर प्लानर्स, आपको बता देते हैं चार बड़ी गलतियां जो बच्चे करते हैं बिकॉज ऑफ विच वो सक्सेसफुल नहीं है। सबसे पहली बड़ी गलती, टू इग्नोर बेसिक मेडिकल साइंस सब्जेक्ट। ये जो तीन सब्जेक्ट है ये आपका पूरा करियर यही बनाने वाले हैं, और ये फर्स्ट ईयर में आते हैं, और अनफॉर्चुनेटली नया कंट्री नया कल्चर, फर्स्ट ईयर कब आया कब चला गया पता ही नहीं होता। आप अपने फैमिली में कोई भी डॉक्टर होगे उनको पूछो ये तीन सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस क्या है, वो आपको बता देंगे कि ये फाउंडेशन है, इसके बिना एमबीबीएस नहीं हो सकता। ये आपको आपके एजेंट मित्र नहीं बताने वाले, जो आपको यूट्यूब पे एकदम फैंसी वीडियोस बनाती है वो आंटी भी नहीं बताएगी आपको, ठीक है। तो आपको समझना है समस्या क्या है, बाकी आप कंट्री तो कभी भी चूज कर सकते हो, आज नहीं तो कल, कंट्री इज नॉट इम्पोर्टेंट, प्रिपेयरिंग फ्रॉम फर्स्ट ईयर इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम, Not understanding the clinical correlation of basic subjects. भैया first year से second year में जब आओगे तो ये subject का importance क्या है, क्यों? Because 6 साल के end में FMG exam देना है या patients को treat करना है, तो ये जो basic medical science subjects है उसका clinical correlation क्या होता है,
ये आपको अगर नहीं समझे तो कैसे पास होगे? मोक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में फैकल्टी आपको समझाती है कि भैया सर्जरी का एनाटॉमी का क्या रिलेशन है, बायोकेमिस्ट्री फिजियोलॉजी का मेडिसिन का क्या रिलेशन है। अगर आपको ऐसा सॉल्यूशन नहीं मिला, आपका पूरा 25 लाख और 6 साल बर्बाद है। अच्छा, यूट्यूब वीडियोस में आप देखोगे तो वो आंटी कहेगी पोर्शन एग्जैक्टली सेम है इंडिया अब्रॉड का, गलत। ये जो कम्युनिटी मेडिसिन सब्जेक्ट है वो इंडिया में अलग होता है, चाइना में अलग होता है, फिलीपींस में अलग होता है, रशिया में, हर कंट्री में अलग होता है। तो आपको पहले साल से इंडियन क्लाइमेट, इंडियन बीमारी, इंडियन फूड हैबिट्स, इंडियन हाइजीन हैबिट्स, इसके ऊपर से इंडियन वे में सब चीजें पता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि एग्जाम इंडिया का देना है, पेशेंट इंडिया के ट्रीट करने हैं। तो ये अगर आपको कोई सोल्यूशन नहीं अवेलेबल है तो नहीं कर पाओगे। मोक्ष के स्टूडेंट कंफर्टेबल ही करते हैं बिकॉज मोक्ष के स्टूडेंट मोक्ष के प्लेटफॉर्म पे प्रिपेयर करते हैं। एंड फोर्थ एंड द बिगेस्ट मिस्टेक विच स्टूडेंट्स आर डूइंग इज नॉट टू स्टडी सिस्टम वाइज। आप लोग बायोलॉजी के स्टूडेंट हो तो आपको ये समझ आ जाएगा व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, राइट? प्रिपरेशन सिस्टम वाइज करनी है। आप रियल लाइफ में कोई पेशेंट देख लो या FMG USMLE का एक क्वेश्चन देख लो, क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, लेट से कोई पेशेंट आपके पास आता है, वो कहता है किडनी स्टोन का प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा पेन है, किडनी स्टोन। किडनी स्टोन का मीनिंग क्या है? रीनल सिस्टम का प्रॉब्लम है, RENAL, रीनल सिस्टम। तो उसका क्या मीनिंग हुआ? वो क्वेश्चन या वो पेशेंट को ट्रीट करने के लिए किडनी की एनाटॉमी पता होनी चाहिए, ब्लड और यूरिन की बायोकेमिस्ट्री पता होनी चाहिए, किडनी फिल्टरेशन की फिजियोलॉजी पता होनी चाहिए, एंड आपको जो ड्रग आपको एप्लीकेबल रहेंगे उसके फार्माकोलॉजी पता होनी चाहिए। इन शॉर्ट, एक क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मल्टीपल सब्जेक्ट की नॉलेज लगेगी। अगर ये आपने ध्यान नहीं दिया तो आई एम टेलिंग यू, MBBS कहीं से भी कर लो, यू विल नेवर बिकम अ गुड डॉक्टर। तो दीज फोर थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ऑल ऑफ यू रिक्वायर द राइट सोल्यूशन विच कैन हेल्प यू डूइंग दैट। तो मोक्ष के सारे स्टूडेंट्स है वो सक्सेसफुल क्यों है? बिकॉज सारे मोक्ष के स्टूडेंट के पास खुद का लॉगिन आईडी पासवर्ड होता है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसपे वो लाइव लेक्चर अटेंड करते हैं 5 साल तक, एवरी डे, सैटरडे संडे कंटिन्यूस उनको ट्रीटमेंट दी जाती है इन टर्म्स ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम, राइट? सो एवरी स्टूडेंट हैज एक्सेस टू द एंटायर सिलेबस, क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, USMLE हो तो USMLE, FMG हो तो FMG, कंप्लीट सिलेबस यहां पर उनको दिया जाता है, सेमिस्टर वाइज, मॉड्यूलर वाइज, ईयर वाइज। उसके बाद हर स्टूडेंट को एक पर्सनलाइज स्केड्यूल, हमें बहुत कंप्लेंट्स आती है स्टूडेंट्स की कि जब वो वहां पर अब्रॉड जाते हैं तो टाइम टेबल बनाना मुश्किल होता है, कॉलेज का पढ़ाई एंड असाइनमेंट्स, उस वजह से टाइम नहीं होता। तो हम आपको स्केड्यूल बना के देते हैं कब क्या पढ़ना है, आपके लाइव लेक्चर्स आप यहां पर एक्सेस कर सकते हो, फैकल्टी का टॉपिक, कौन सा सब्जेक्ट सिखाने वाले हैं, यू जस्ट क्लिक ऑन दिट एंड यू कैन अटेंड द लाइव लेक्चर। आपको असाइनमेंट्स दी जाती है वेरी रेगुलरली, राइट? फॉर एग्जाम्पल बायोकेमिस्ट्री में, केमिस्ट्री ऑफ एमिनो एसिड में, राइट? लेट्स से एग्जाम्पल के लिए अरोमेटिक एसिड, राइट? तो अरोमेटिक एसिड का आपने असाइनमेंट के लिए वीडियो देखा, उसी रिलेटेड आपने नोट्स डाउनलोड किए, मिस्टेक्स है तो मिस्टेक्स रिपोर्ट की, डाउट्स पूछना है तो डाउट्स पूछ लिया। आपको वीडियो में कोई भी चीज इंटरेस्टिंग लगी तो आप टाइप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल सर कह रहे हैं कॉपर टायरोसिनेस, तो यहां पर आपको नोट करना है, तो आप जो भी लेक्चर में सर समझा रहे हैं वो आप यहाँ पर टाइप करके सेव कर सकते हो, फ्यूचर में रेफर कर सकते हो।
उसके रिलेटेड नोट्स यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो. दिस कंप्लीट सिस्टम इज अवेलेबल फॉर एवरी स्टूडेंट फॉर नेक्स्ट फॉर सिक्स इयर्स फॉर USMLE फॉर एवरी मॉड्यूल विथ अ सपोर्ट टीम. सपोर्ट टीम आपको लॉग इन डिटेल्स पूरा सपोर्ट करती है 24 आवर्स. राइट, उसके बाद क्वेश्चन बैंक होता है बच्चों के पास जहां पर रेगुलरली टेस्ट ली जाती है. आपके एक्यूरेसी लेवल पे करेक्ट इनकरेक्ट आंसर्स आपको दिए जाते हैं. आपके अलग अलग असाइनमेंट्स होते हैं जो आपको सॉल्व करने हैं. ऑलराइट, यू हैव योर परफॉर्मेंस टैब, योर प्रेडिक्टिव न्यूज एंड अपडेट्स. राइट, एवरी स्टूडेंट गेट्स एवरी अपडेट अबाउट USMLE. नेक्स्ट, अभी जो FMG 2019 का रिजल्ट आया, 13,000 स्टूडेंट बैठे थे, 13,300 एंड ओनली 2767 बच्चे पास हुए. तो आप देख रहे हो 9,000 फेल हुए. 50% विल गिव अप एंड जॉइन दी स्टूडेंट्स. 50% आर गोइंग टू गिव अप एंड देन जॉइन अ फार्मा कंपनी और अ कॉल सेंटर. 50% विल ट्राई द लक्स नेक्स्ट ईयर. यही रियलिटी है. राइट, आपके फैकल्टीज यू कैन कनेक्ट विद देम. दीज आर ऑल फैकल्टीज who teach internationally in different countries. Career, aapke kaun se career options hai, you can read it out, go through it. Kaun se career mein kitne USMLE ke marks, kitni salary, kitne dollars ki salary milegi. How to become a specialist, sara information hai. Related to your subject, jo bhi books chahiye, reference books, ESMLE, physiology, you can just download those books. All the books are available for you. All right? Is it clear? So this is a student's account, so I cannot log in. Only if I am a student, I can get the books. All right? So this is how every one of you, each one of you, chahe aap next prepare karo, USMLE prepare karo, you will have your own learning system. Okay? But unfortunately, hota kya hai? Agent kehta hai, आप अब्रॉड चले जाइए, यहां से हम फैकल्टी भेजेंगे. आपको जानना पड़ेगा क्यों 80% बच्चे फेल होते हैं. बिकॉज एजेंट कहता है आप अभी चले जाइए, वहां से हम फैकल्टी भेजेंगे. एक हफ्ते में हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि आपको फैकल्टी पूरा सब्जेक्ट पूरे साल का टीचिंग करेगी. तो दैट इज अगेन अ चीटिंग डन बाय एजेंट्स. फिर एजेंट कहता है आप चले जाइए, वापस आओगे तो 6 महीने में क्रैश कोर्स में पास हो जाओगे. 6 महीने में हाउ आर यू गोइंग टू लर्न द 20 सब्जेक्ट्स, यू टेल मी? नॉट पॉसिबल. इनफैक्ट मोक्ष के स्टूडेंट जो है वो 6 महीने में रिवीजन करते हैं. एजेंट कहता है एग्जाम इतना इजी है, आप सेल्फ स्टडी करिए, निकल जाओगे. अनलिमिटेड अटेम्प्ट है. माइंड यू, एवरी अटेम्प्ट डिलेज योर करियर बाय 1.5 ईयर्स. ठीक है, आप चले जाइए दिल्ली के गौतम नगर में. जैसे IIT के लिए कोटा फेमस है, नेक्स्ट FMG के लिए गौतम नगर है. बच्चे 3-3, 4-4 साल से रह रहे हैं, 3-3, 4-4 लाख रुपए बर्बाद किए हैं, अभी भी एग्जाम पास नहीं कर सके. तो आप डिसाइड करिए यहां पर फंसना है कि भैया पहले साल से प्रिपेयर करना है. ओनली 1.7 लाख, 5 ईयर कोचिंग पैरेलल टू मेडिकल कॉलेज, पेशेंट केस बेस्ड पढ़ाई जो नेक्स्ट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल लेवल के टूल, इंडियन एंड इंटरनेशनल फैकल्टीज एंड वीकली मंथली टेस्ट. यू डिसाइड व्हाट डू यू वांट एंड दैट इज व्हाई मोक्ष स्टूडेंट्स आर मोर सक्सेसफुल, बिकॉज दे आर हैविंग अ स्ट्रक्चर्ड लॉगिन ID पासवर्ड एंड लाइव लेक्चर्स फॉर एंटायर 5 ईयर्स. इज इट क्लियर? All right, so now if this is clear, let's move ahead and let me ask you one very simple question, because this question again is very important. So what is your budget for MBBS till PG? Students, quickly answer this, because you know then only you'll be able to understand what I'm trying to tell you. All right.
So as you can see, you know, 17% you have 25 lakhs and below budget. तो आप लोग डेफिनेटली एमबीबीएस अब्रॉड प्लस नेक्स्ट कोचिंग करना, बिना नेक्स्ट कोचिंग के आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। अब जिनका बजट है मोर देन 35 लाख, मोर देन 35 लाख जिनका भी बजट है, नाउ दिस इज फॉर यू। कैसे आप 35 लाख इन्वेस्ट करके 1 करोड़ का रिटर्न्स आपके लिए आएगा? तो यूएसएमएलई ऑप्शन सब बच्चों के लिए है जिनका 35 लाख एंड अबव बजट है, राइट? क्योंकि वाई इतना पॉपुलर है, और क्योंकि इंडिया के आप कोई भी कॉलेज में चले जाइए, सब बच्चे क्यों यूएसएमएलई प्रिपेयर कर रहे हैं? व्हाट इज द रीजन? लेट्स अंडरस्टैंड दिस। पहला रीजन, यूएसपीजी डिग्री इज रिकॉग्नाइज्ड नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल कॉमनवेल्थ नेशंस एंड मिडल ईस्ट कंट्रीज। दूसरा, जो पीजी एडमिशन रेशियो है, इंडिया में हर 10 बच्चे में एक बच्चे को एडमिशन मिलता है, यूएस में हर 2 में एक, तो बहुत कम कंपटीशन है कंपेयर टू इंडिया। तीसरा, ट्यूशन फी कितना है पीजी पढ़ने के लिए? 0, देयर इज नो ट्यूशन फी टू डू पीजी इन अमेरिका। इनफैक्ट आपको सैलरी मिलती है, कितनी सैलरी मिलती है? 35 लाख, 55 लाख, ग्रेजुएशन के बाद 1.25 करोड़, ऑलराइट? एंड जो लोग यूएसएमएलई प्रिपेयर कर रहे हैं, दे विल हैव अ बेटर चांस टू पास द नेक्स्ट एग्जामिनेशन, ऑलराइट? अपॉर्चुनिटीज टू माइग्रेट इजीली इन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज। अच्छा, कुछ एजेंट कहते हैं भैया रशिया चाइना से पीजी कर, वेरी रॉन्ग डिसीजन, क्योंकि आपको वो रियलिटी बताते नहीं। रशिया और चाइना में जो पीजी है वो आज भी रशियन चाइनीज लैंग्वेज में होती है। एमसीआई ने कहा है अभी रिकॉग्नाइज नहीं है, मगर अगर फ्यूचर में रिकॉग्नाइज करेंगे तो वो बच्चों को 2 एग्जाम देनी पड़ेगी, एक एफएमजी एंड दूसरी उससे भी डिफिकल्ट डीएनबी एग्जामिनेशन। मगर अगर आप यूएसएमएलई करोगे तो नो एग्जाम, ग्लोबल रिकॉग्निशन, नो कॉम्पिटिशन, 0 ट्यूशन फी एंड सैलरी, तो रिटर्न्स आर मोर देन 1 करोड़। दैट इज द रीजन यूएस इज द फर्स्ट ऑप्शन बाय ऑल द स्टूडेंट्स। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये बहुत जरूरी है। ओके, सो नाउ दोज हु आर इंटरेस्टेड फॉर यूएसएमएलई, प्लीज टेल मी व्हाट स्पेशलिटी आपको पीजी करना है, कौन से स्पेशलिटी में? पीडियाट्रिक्स, कार्डियोलॉजी, डर्माटोलॉजी, सर्जन, व्हाट डू यू वांट टू बिकम? Because this is very important for you to understand. Okay, please type in करिए on the question box what specialty आपको करना है, what do you want to become as a specialist? All right, so one Arju says cardiologist. Who else? Okay. Lobo, we are talking about PG. We are not talking about MBBS. MBBS in US is 4 crore rupees. I am giving you a cheaper option. You do MBBS from India, Russia, China, Ukraine, and then directly apply for PG rather than wasting 4 crore and 8 years. Okay? All right. So now, before we move ahead, very important information, very important announcement. ये जो यूएसएमएलई अपॉर्चुनिटी है, इट इज नॉट फॉर एवरीवन, ऑलराइट? हु इज एलिजिबल टू राइट यूएसएमएलई? ओनली दो स्टूडेंट्स जिनकी यूनिवर्सिटी इज इन द वर्ल्ड डायरेक्टरी एंड अप्रूव्ड बाय ईसीएफएमजी। आज की डेट में इंडिया में 500 मेडिकल कॉलेजेस है, ओके, आउट ऑफ विच You, there are such 150 colleges जो ये लिस्ट में नहीं है। अगर आप ऐसी कॉलेज से पढ़ रहे हो तो आप यूएसएमएलई की अपॉर्चुनिटी नहीं ले सकते, okay? So it's very important you check, जो भी यूनिवर्सिटी आप चूज कर रहे हो क्या वो वर्ल्ड डायरेक्टरी में है या नहीं है, okay? वर्ल्ड डायरेक्टरी में चले जाइए, यहाँ पर टाइप कीजिए, फॉर एग्जाम्पल लवीव तो था ही, एक और एग्जाम्पल बता देता हूं, लेट्स से बुकोवीनियन, ओके,
इट इज देयर नो प्रॉब्लम प्लस यहां पर भी नाम है परफेक्ट यस स्टूडेंट्स कैन राइट यूएसएमएल ये चेक करना जरूरी है अगर आपकी कॉलेज ये लिस्ट में नहीं होगी यू विल नॉट बी अलाउड टू राइट यूएसएमएल राइट ये बहुत जरूरी है ऑल ऑफ यू नीड टू चेक दिस विदाउट फेल अगर आप यूएसएमएल ही करना चाहते हो ओके नाउ मेजॉरिटी ऑफ यू आर सेइंग यू वांट टू बिकम अ कार्डियोलॉजिस्ट तो व्हाट इज द प्रोसीजर टू बिकम कार्डियोलॉजिस्ट लेट्स अंडरस्टैंड दिस जो भी खर्चा करना है आपको वो स्टेज वन तक का करना है ओके एंटायर एक्सपेंडिचर इज ओनली इन स्टेज वन जो भी मेहनत करनी है वो भी स्टेज वन में है तो एमबीबीएस के पैरेलल 6 साल में आपको करना है प्रिपरेशन फॉर दिस एग्जामिनेशन स्टेप वन ऑनलाइन है सीके ऑनलाइन है सीएस प्रैक्टिकल एग्जाम है एंड उसके साथ 2 महीना अमेरिकन हॉस्पिटल में क्लिनिकल रोटेशन का काम करना है तो वी आर गोइंग टू हेल्प यू विथ एवरीथिंग और ये पूरा प्रोसीजर में अलॉन्ग विथ एमबीबीएस अब्रॉड टोटल खर्चा कितना है 35 to 50 lakhs मैक्सिमम इतना ही खर्चा आपका होता है दैट्स इट उसके बाद जब अमेरिका में पीजी करते हो तो पीजी को अमेरिका में व्हाट डू दे कॉल रेसिडेंसी प्रोग्राम ओके रेसिडेंसी प्रोग्राम इन अमेरिका इज कंप्लीटली फ्री ओके तो मेडिसिन का 3 साल का होता है सर्जरी का 5 साल का होता है तो 3 साल के मेडिसिन में आपको 1 करोड़ की सैलरी मिलेगी ओके उसके बाद आप फाइनल बोर्ड एग्जाम दोगे आफ्टर बोर्ड एग्जामिनेशन इंडिया में आके एज एन एमडी मेडिसिन काम कर सकते हो योर डिग्री इज डायरेक्टली रिकॉग्नाइज्ड स्टेप 3 एग्जामिनेशन दोगे उसके बाद अमेरिका में काम करोगे अच्छा मेडिसिन तो कर लिया अब प्लान है कार्डियोलॉजिस्ट बनना है ऑन्कोलॉजिस्ट बनना है नेफ्रोलॉजिस्ट बनना है तो सुपर पीजी करना पड़ता है उसको कहते हैं फेलोशिप फेलोशिप में भी नो ट्यूशन फी कार्डियोलॉजी करना है तो 3 साल का कार्डियोवैस्कुलर डिजीज फेलोशिप जिसका सैलरी है 1.5 करोड़ रुपए तो इन शॉर्ट पहले 6 साल में मेहनत किया खर्चा किया 35 to 50 lakh एंड बाकी के 6 साल में 1 करोड़ और 2.5 करोड़ का रिटर्न आ गया दिस इज द रीजन वाई मेडिकल पीजी इन यूएसए इज द मोस्ट प्रिफर्ड चॉइस इज इट क्लियर बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच वन ऑफ यू टू अंडरस्टैंड ओके आपका गोल क्लियर होना बहुत जरूरी है अनलेस 240 आएगा यू विल नॉट बी अलाउड टू अपियर द एग्जामिनेशन ओके सो हाउ डज मोक्ष टीच यू वी हैव अ मॉड्यूलर प्रोग्राम द फर्स्ट मॉड्यूल वेरी इंपॉर्टेंट फाउंडेशन ऑफ मेडिकल साइंस इसके बेसिस पे आपका पूरा करियर डेवलप होगा ओके 2 साल का प्रोग्राम है जब तक यहाँ पर आपको 70% मार्क्स नहीं आते We do not allow you to appear any further exam. After that, advanced program चालू होगा जब आपके examination के test के question bank चालू हो जाएंगे जब तक step 1 में 240 नहीं आता you cannot start CK. जब तक CK में 240 नहीं आता you will not be allowed to start the module 3. Module 3 हम अमेरिका में करवाते हैं In our partner hospitals in America, along with practical CS examination. And module 4, optional module hai for residency application. But at any point of time, agar aap stuck hote ho, clear nahi hota, we have a backup option ready for you. So no Moksh student gets stuck. Agar aap ye module nahi karte ho, without any further charges, hum aapko FMG coaching, या फिर नेक्स्ट कोचिंग या फिर पीजी इन जर्मनी कोचिंग में ट्रांसफर कर देंगे यू अंडरस्टैंडिंग सो आपके पास हमेशा प्लान बी रहेगा इज इट क्लियर नाउ
let's take up any questions which each one of you have. Now I'll be able to answer all the questions. Okay, somebody mentioned neurologist. So aap jo bhi specialization banna chahte ho, you can easily do that. आपको कोई भी डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए, एक ही वेबसाइट है, चले जाइए, सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी. ऑलराइट, यूएसएमएलई कोचिंग में चले जाइए, सारा इंफॉर्मेशन अच्छे से यहाँ पे दिया हो गया है. ओके, रेसिडेंसी प्रोग्राम में चले जाइए, आपको सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा. कौन से पीजी के लिए कितना टाइम लगता है, सारे पीजी पेड है, एक भी पीजी में आपको ट्यूशन फी नहीं पे करना. 3 साल का है तो 3 साल सैलरी मिलेगी, 5 साल का है तो 5 साल सैलरी मिलेगी. ऑलराइट, इज इट क्लियर? लोबो, यू आर स्टिल स्टक हियर? ओके लोबो, व्हाट्स योर बजट? 4 करोड़? Samvit, I have to check. You will have to check with our counseling team because the seats are very less. Lobo, अगर आपका बजट 4 करोड़ नहीं है तो क्यों सोच रहे हो? क्योंकि जब अमेरिका में करना है अंडरग्रेड तो एक नहीं 3 एग्जाम देनी पड़ती है और बजट 4 करोड़ का होना चाहिए. ठीक है, Samvit, you have to check the Moksh counselors because our seats are very less. All right. So if the seat is available, because first preference is given to the Moksh students. All right. But then you can check if the seat is available, they might consider. All right. See, any bank can provide. आप नॉर्मल कोई भी बैंक को अप्रोच करिए, आपको हेल्प मिल जाएगी. नो, नेशनलाइज्ड बैंक में आपको अप्रोच करना पड़ेगा. ऑलराइट, विच यूनिवर्सिटी हैव यू अप्लाइड माधुरी? बिकॉज आप जब यूनिवर्सिटी अप्लाई किया होगा तो आपको एक इनविटेशन लेटर मिलेगा. वो लेटर आप किसी भी बैंक को दिखा दीजिए, उसके बेसिस पे अगेंस्ट कोलैटरल आपको लोन मिल जाएगा. Right, Narendra, yes, you need to submit your documents to the counselors. They will call you, and once you submit your documents, yes, we can check. Prajwal, no, you don't have to. All right. Anybody else has any question related to FMG, next US assembly examination? Have you understood the process, or are there queries? If there are queries regarding FMG, US assembly, please type in. Please type in, and I'll be able to clarify. Yeah, Madhuri, you can definitely visit. No problem. Madhuri, have you applied through Moksh? Which university have you applied? If not applied, what is your NEET and 12th score? What is your NEET score and what is your budget? What is your budget? Thank you.
all right. So you will get a call from our Moksh counselors and they will let you know what options you can go for. All right. And they will also let you know the Pune office address. Okay. All right. Anybody else has any question? Those who have doubts, please ask question. World directory, WDOMS. Okay. No, Samvit. Why would you, what are the other countries in your mind, Samvit? Why would you want to leave America and which countries do you have in mind? I will answer based on that. Of course, every country mein license exam dena hi padta hai, no doubt about that. But aap kaha pe aapko opportunity dikh rahi hai? I knew that. A very, very, very wrong choice, Samvit. Don't even think of that country. Kitne Indians suffer kar rahe hai. तो ये सब एजेंट जिनको पता ही नहीं होता वो यूके यूके बोलते हैं, ठीक है? तो यूके की कहानी आपको जानना है तो ये टाइप कर लो, अपने गूगल कर लो, आपको रियलिटी पता चल जाएगी क्या हो रहा है, प्रॉब्लम्स कितना ज्यादा, वीजा प्रॉब्लम है कितना ज्यादा, टैक्सेशन है कितनी ज्यादा, तकलीफ हो रही है डॉक्टर्स को वहां पर. So you don't have to do anything. आप सिर्फ पढ़ लो रियलिटी, क्योंकि एजेंट जिसको USMLE नहीं पता, जिनको पूरा प्रोसीजर पता ही नहीं है किसी भी चीज का, लाइसेंस एग्जाम का, वो सपना दिखाने के लिए बोलते हैं जॉर्जिया चले जाओ, बाद में यूके में करियर बना दोगे, क्योंकि उनको कुछ पता ही नहीं है, उनको तो सिर्फ सपना देके भाग जाना है. हम ऐसे नहीं करते हैं, हम आपको रियलिटी बताते हैं. 2019 में भी दुगना लगान देना पड़ता है, इंडियन डॉक्टर्स को दुगना टैक्स भरना पड़ता है. ऑलराइट, कंप्लीट कंप्लीट बायसनेस, ना ही प्रमोशन मिलता है, ना ही जॉब मिलता है, ना ही वीजा अप्रूव होता है, पूरा चीटिंग आज भी हो रहा है. ये जो डॉक्टर है 40 साल से यूके में है, इन्होंने पूरा आर्टिकल लिखा है कि किस तरह से ट्रीटमेंट दी जाती है, कैसे कैसे वर्ड्स यूज कर दिए जाते हैं by the patients, by the fellow doctor, how badly you've been treated. और ये every continuously Times of India, Indian newspaper में continuously आ रहा है, मगर agent आपको ये सब नहीं बोलेगा, क्योंकि उसको मतलब ही नहीं, उसको तो सपना देख के भाग जाना है. हम वो नहीं करते, हमको वहां की reality मालूम है. हमारे 300 plus students already अमेरिका में काम कर रहे हैं, इसीलिए हम आपको यूएस रेकमेंड कर रहे हैं, ठीक है? नॉट रैंडमली. या मिडल ईस्ट नो प्रॉब्लम, यू कैन सेटल इन मिडल ईस्ट मल्लिका आफ्टर डूइंग पीजी फ्रॉम इंडिया और अमेरिका, बट टू डू